चलो तो आज सर डिस्कशन करना और एक दो टॉपिक बाकी थे वो देखने। हाँ बोलो। सर वो एमएस टीम पे सेंड नहीं हो रहा था तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, चलेगा हाँ कोई बात नहीं। हाँ सर? उसमें डाउट भी है। ओके डिस्कस तो कर लेंगे हम। सर, ठीक है, पहले जो एक दो टॉपिक हमारे बाकी थे उसको कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे। है ना, तो पहला टॉपिक तो जो रह गया था वो था फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो तो फोर्स सबसे पहले तो क्या मतलब है इसका वो देख लेते हैं। तो देखा गया कि मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है इस तरह से, है ना, और उसके अक्रॉस एक बैटरी अगर कनेक्ट कर दी गई है, और उसकी प्लेट्स के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने की कोशिश की जाए, यानी उसके माउथ पे इसको रखा जाए इस तरह से, तो देखा गया कि उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। यानी कैपेसिटर के माउथ पे अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाकर जस्ट रख दो तो वो अपने आप अंदर खिंच जाती है और इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूँ, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिलीज्ड नियर दी माउथ ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटर एक्सपीरियंसेस एन इनवर्ड फोर्स एंड स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और मान लो कि आपने स्लैब को कुछ इस तरह से रिलीज किया था, यानी जब मैंने रिलीज किया तब अगर इस तरफ से L/4 डिस्टेंस अंदर था डाइलेक्ट्रिक जब आपने रिलीज किया है, तो वो जो ऑसिलेशन करेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जब दूसरी साइड से कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक बाहर आएगा तब भी वो कुछ इसी तरह से बाहर आने वाला है L/4 डिस्टेंस तक, और इस तरह से इसका ऑसिलेशन कंटिन्यूअसली क्या है चलता रहेगा। समझ आ रही है बात? यस तो बात आती है कि इसका रीजन क्या है और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके लिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मान लो कि अपर प्लेट है और ये मान लो कि लोअर प्लेट है। ठीक है, थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश है। इस तरह से आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। प्लेट का डायमेंशन मान लेता हूं मैं इनटू द प्लेन जो है वो B है और प्लेट की लेंथ जो है वो L मान लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ प्लेट, प्लेट ये मैं कह देता हूं एल इंटू बी। ठीक है, तो एल है लेंथ, बी हो गई आपकी विड्थ
जो कि इस केस में इनटू द प्लेन है। अब हमने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक लिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली और उसको कुछ डिस्टेंस अंदर तक इसके अंदर इंसर्ट किया और उसे पकड़ के रखा है अभी, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स इस समय पर जीरो है, ठीक है, इस तरह से कुछ स्लैब है और अब हम उसे रिलीज कर रहे हैं। तो होता क्या है, आपने क्या देखा है कि अगर किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, ये डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ डी है, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज लगाया गया है वी, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और क्यू की वैल्यू होगी सी वी। ऑब्वियसली ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ऊपर जो चार्ज आएगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और नीचे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं वो कुछ इस तरह की शो करते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आप शो करते हो। लेकिन देखा गया कि रियल लाइफ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एंड्स पर हल्की सी कर्व्ड रहती है, कुछ इस तरह से। तो अगर ये कर्व्ड है तो ये डायपोल के ऊपर जो फोर्स लगाती है, अगर मैं सिर्फ स्लैब को यहां पे देखूं, ये आपकी स्लैब जो है इस इंस्टेंट पर, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो किस तरह से आएगा, तो कुछ इस तरह का फोर्स आ जाता है अलोंग द लाइंस। अगर हम फोर्स लगाएं तो नेगेटिव वाले पोर्शन पे अगर आप फोर्स देखोगे तो कुछ इस तरफ आएगा डायपोल्स के, और पॉजिटिव वाले पोर्शन पे देखोगे तो फोर्स कुछ इस तरह से आएगा। तो एक नेट फोर्स जो आता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, समझ आया। तो रीजन क्या हो गया, द कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द प्लेट एक्सर्ट्स अ नेट इनवर्ड फोर्स ऑन द डायलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, अब इस फोर्स की कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो ऐसा सोच के देखो, यहां पर हमारे पास, एक सेकेंड रुकना जरा, हम ऐसा कह सकते हैं कि इस डायलेक्ट्रिक या इस कैपेसिटर को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। इसका एक पोर्शन तो डायलेक्ट्रिक से भरा हुआ है और एक पोर्शन के अंदर एयर है। अगर उसे मैं डिवाइड कर देता हूं तो कुछ इस तरह से, ये जो पोर्शन है ये तो डायलेक्ट्रिक से भरा हुआ है इस समय पर, और इसके राइट वाला पोर्शन जो है वो डायलेक्ट्रिक से नहीं भरा हुआ है। तो इसे अगर हम ब्रेक करके ड्रॉ करेंगे वापस से, तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, एक कैपेसिटर हो गया ये और एक कैपेसिटर हो गया ये, जिसमें ये वाला कैपेसिटर पूरी तरह से डायलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। इसे अगर मैं कह देता हूँ C1 और इसे अगर मैं कह देता हूँ C2, C1 की वैल्यू क्या होगी ये देखो, C1 की वैल्यू आप बोल सकते हो K एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ द प्लेट अगर देखा जाए तो अगर ये x डिस्टेंस अंदर है प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू बी, दिख रहा है या नहीं? यस सर। x इंटू बी हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स, और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो हम बोल देंगे सिंपली d। सिमिलरली अगर मैं C2 बोलता हूं तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बचा हुआ जो है उसमें डायलेक्ट्रिक तो है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट, ये डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस x और इंटू बी बाय d। ये हमारे पास आ गया C1 और C2। यहां से C इक्वलेंट में सिंपली बता सकता हूं, पैरेलल कनेक्शन है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, यानी यहां से हमें मिलेगा K एप्सिलॉन नॉट B
इंटू एक्स प्लस एल, कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ सॉरी, के एक्स आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट बी को बाहर ले लो सिर्फ, तो यहाँ बचेगा आपके पास के एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाय डी। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है या नहीं? Yes. तो इस समय एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अगर बोली जाए तो क्या हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला? U हमारे पास आ जाता है हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर वी वोल्ट का डिफरेंस है, तो हाफ सी इक्विवेलेंट हो गया एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी इनटू एल प्लस के माइनस वन इनटू एक्स इनटू वी स्क्वायर। क्लियर है? इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस समय पर, उस फोर्स को सिंपली आप बता सकते हो माइनस डीयू बाय डीएक्स। ये क्लास 11th में हमने रिलेशन देखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको बता देगा फोर्स। तो ये आ गया हमारे पास माइनस डी बाय डीएक्स ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी इंटू एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स इंटू वी स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन है एक्स के साथ, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं वो हमें मिलेगा कितना, एप्सिलॉन नॉट बी इंटू के माइनस वन वी स्क्वायर बाय टू डी। ये सुंदर सा फॉर्मूला आपका आंसर होता है। याद रखना आंसर के अंदर कौन सा वाला डायमेंशन यूज हो रहा है, जो इनटू द प्लेन है, एल कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है। तो प्लेट का कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं, इनटू द प्लेन जो है। तो यहाँ याद रखने के लिए मैं लिख देता हूँ कि बी यह है डायमेंशन ऑफ प्लेट, डायमेंशन ऑफ प्लेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन of oscillation of slab, of oscillation of slab। अच्छा ये force कैसा आ रहा है भाई, क्या ये x पे dependent है? No. ये force कैसा force है? It is a constant force। अगर ये constant force है तो ये जो SHM perform कर रही है आपकी slab, sorry ये जो oscillation perform कर रही है आपकी slab, क्या वो एक SHM हो सकता है? No. नहीं। तो ये भी याद रखना, द ऑसिलेशन इज नॉट SHM, ठीक है ना, नॉट SHM, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कैसा आ गया, कांस्टेंट। ये फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। हाँ बोलो सर, वो एक बार फिगर दिखाइए ना ऊपर। क्लियर हुआ? यस यस। ठीक है चलो, इस पे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। एक एचसीवी का कुछ इस तरह का क्वेश्चन, रुक जाओ थोड़ा छाप लेना आराम से। ठीक है, तो ये हमारे पास मैं कह देता हूं है V नॉट और इस तरह से कुछ है, जहां स्क्वायर प्लेट्स हैं साइड ए, और यहां हमारे पास प्लेट है
ये डायमेंशन में बोल देता हूँ बी, यह रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो फॉर द कंपोजिट स्लैब, फॉर द कंपोजिट स्लैब टू बी इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी. ठीक है ना, तो स्लैब्स कंपोजिट हैं यानी दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में, तो दोनों रेस्ट पर रहें, उसके लिए वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऊपर कितना करना था बेटा? दिख रहा सर, इनटू द प्लेन कितना गया हुआ है? दिख रहा होगा बेटा, साफ लिखा है सब कुछ. ओके सर, ओके सर, नीचे नहीं गया. बिल्कुल, F1 को इक्वल कर देंगे F2 के, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये तो स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट A इनटू K माइनस 1 इनटू V नॉट स्क्वायर by 2D, इसे इक्वल कर देंगे हम एप्सिलॉन नॉट इनटू द प्लेन. क्या क्या होगा? B यहाँ है तो इनटू द प्लेन क्या होगा? A ही होगा. इनटू 4K माइनस 1 by 2D इनटू V स्क्वायर. यहाँ से सिंपली आपको V की वैल्यू मिल जाएगी. एप्सिलॉन नॉट A कट गया, यहाँ से बचा V नॉट अंडर रूट ऑफ K माइनस 1 by 4K माइनस 1. क्लियर है? तो इस पे बेस क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स की वैल्यू आपको याद रखनी होती है, तो जो कुछ भी बोला गया हो वो आप निकाल सकते हो. एचसीबी में एक दो क्वेश्चन और हैं. स्लैब से एक मास लटका दिया है तो उसका मैक्सिमम मास क्या हो ताकि स्लैब इक्विलिब्रियम में रहे, तो फोर्स बेसिकली एम जी को बैलेंस कर देगा, है ना? क्लियर है? ठीक है, चलो. अब एक टॉपिक और रह गया था, जो वैसे तो उसका मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पर एज सच कैपेसिटर में हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, जो कि है ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर, है ना? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, याद है क्या सबको? बोलो. यस सर, विद द डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, है ना, और उसके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगाई है, तो ऑब्वियसली प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, हम जानते हैं ई. तो अगर मैं यहाँ पे डायपोल, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दूं, तो उसके ऊपर डायपोल्स पे फोर्स लग रहा होता है या नहीं? डायपोल के ऊपर आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है, और हमारा डायपोल अगर इस तरह से है, तो उस पर फोर्स लग रहा होता है कुछ इस तरह से. तो ऑल दो नेट फोर्स तो जीरो है, पर काफी स्ट्रेन डेवलप हो जाता है हमारे डायपोल के अंदर, ठीक है. तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डायपोल कैन विदस्टैंड
उसे आप क्या कहते थे? इसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर याद नहीं हो तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर d है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने मान ली कि e max है, ये मैं बोल देता हूँ, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा किसे कहोगे आप? द मैक्सिमम वोल्टेज, बिल्कुल, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर विदाउट ब्रेकिंग डायलैक्ट्रिक। उसे आप बोलते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को मैं सिंपली क्या कह सकता हूं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डी। अरे है नहीं, वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, समझ आया? इसमें याद ये रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। पर ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं ई पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लस डायमेंशंस ऑफ प्लेट या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। समझ आया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करी? मटेरियल पे। लेकिन जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और मटेरियल दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? क्वेश्चन देखें इस पे फटाफट। यस देखो, तो अब क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं, जैसे एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है। तो ए बी आपको दिया गया है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है 5 वोल्ट, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है मान लो 6 वोल्ट। तो द मैक्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ए बी इज, तो मैक्सिमम सेफ वोल्टेज कह सकता हूं मैं बिना किसी भी कैपेसिटर को खराब किए। तो कैसे करते हैं, एक मैं बता देता हूं, बाकी आप ट्राई कर लेना। आप ये जानते हो कि अगर हम एक बैटरी लगा देंगे इनके अक्रॉस, तो उस बैटरी से जो भी चार्ज निकलेगा क्या वही चार्ज तीनों को मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज में है या नहीं? तो मैं क्या निकाल लेता हूं कि सबसे पहले ये C1 मान लो 2 माइक्रोफेरेड का है, C2 मान लो 1 माइक्रोफेरेड का है, C3 मान लो 4 माइक्रोफेरेड का है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, कैलकुलेट क्यू मैक्स, मैक्सिमम हर कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है वो हम देख लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, C × V, यानी कि 20 माइक्रो कूलम चार्ज इसके ऊपर मैक्सिमम हम ला सकते हैं। 2 माइक्रोफेरेड का है और 10 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है कि नहीं? Yes. फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। सिमिलरली Q2 के मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू ये 5 माइक्रो कूलम आ गई और Q3 ये आ गया 24 माइक्रो कूलम। तो सोच के देखो हमें सीरीज ब्रांच में कितना भेजना चाहिए, बोलो। फाइव।
क्यू जो सप्लाई होना चाहिए वो 5 माइक्रोकूलम सप्लाई होना चाहिए, समझ आया? अब बस आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्यू आपको पता लग गया है कि ये होना चाहिए 5 माइक्रोकूलम, तो क्यू ये होता है सी इक्वलेंट इंटू वी, है या नहीं? तो वी आप सिंपली बता सकते हो क्यू बाय सी इक्वलेंट, यानी कि 5 माइक्रोकूलम बाय सी इक्वलेंट की जो वैल्यू होगी वो हम जानते ही हैं, 1 बाय सी इक्वलेंट की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ठीक है ना, वो हो जाएगी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 माइक्रोफेरेड, क्लियर हुआ? Yes. क्यों भाई? इससे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सीरीज में जब भी कैपेसिटर दिए हो तो हर एक का मैक्सिमम चार्ज कितना अलाउड है वो देख लो, और जो लोएस्ट चार्ज हो उसे सीरीज में फ्लो करा दो। कोई दिक्कत? नो सर। नो अगर पैरेलल में होगा तो बोलो। मान लो मैं ऐसा कह देता हूं इस तरह का कनेक्शन दिया गया है, तो पूछा जा रहा है वी मैक्स टू कीप ऑल कैपेसिटर्स सेफ, समझ आया क्वेश्चन? तो क्या करेंगे आप? मैं यहाँ स्टेप्स लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा मैं। क्या करोगे आप? कैलकुलेट ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ईच ब्रांच, समझ आया या नहीं? जैसे यहाँ आपने एक ब्रांच का, पूरी ब्रांच का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल लिया कि नहीं? ये जो हमारा आंसर था ये पूरी ब्रांच का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ऐसे ही यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, तो एक बार तो इस ब्रांच का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा वो देख लूंगा, और एक बार इस ब्रांच का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा वो देख लूंगा। फिर जो छोटा वाला होगा वही तो हमें लगाना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में जो भी बैटरी आप लगाओगे हर ब्रांच के अक्रॉस सेम ब्रेकडाउन वोल्टेज लाए जाएगा, ठीक है ना? तो द ब्रेकडाउन वोल्टेज लोएस्ट आउट ऑफ ऑल द ब्रांचेस should be applied. समझ आया? क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आपको बताना है वी मैक्स दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ए बी, ठीक है? इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो कि हमें दिया गया है 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है मान लो 5 वोल्ट, ठीक है? ये है C1 C2, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हम ले लेते हैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, यह है C3 C4 C5। तो C1 दिया गया है 3 माइक्रोफेरेड, C2 दिया गया है 6 माइक्रोफेरेड, C3 ये दिया गया है हमें 6 माइक्रोफेरेड, C4 ये दिया गया है 6 माइक्रोफेरेड, और C5 6 माइक्रोफेरेड।
3.75 और किसी का सर 15 15 और कोई 10.5 इतने सारे आंसर्स इसका क्यू मैक्स देखता हूं सबसे पहले तो सी इंटू वी यानी कि 30 माइक्रोकूलम क्यू टू देख लेता हूं सी इंटू वी 30 माइक्रोकूलम इसका देखो Q3 तो C into V 30 Q4 60 Q5 120 तो इस ब्रांच में जो मैक्सिमम चार्ज फ्लो करना चाहिए वो करना चाहिए 30 माइक्रोकूलम है या नहीं और इस ब्रांच में जो मैक्सिमम फ्लो करना चाहिए वो आ गया हमारा 30 माइक्रोकूलम ठीक है तो पहले ब्रांच वन के लिए देख लेते हैं इनके लिए आप कह सकते हो क्यू ये होगा सी इक्विवेलेंट इनटू वी मैक्स तो वी मैक्स वन की वैल्यू आ गई 30 माइक्रोकूलम बाय सी इक्विवेलेंट ठीक है तो 3 और 6 का सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 यानी कि वी मैक्स वन की वैल्यू ये तो हमारे पास आ गई 15 वोल्ट यानी ऊपर वाली ब्रांच तो मैक्सिमम झेल सकती है 15 वोल्ट ब्रांच टू की बात करें उसके लिए अगर आप लिखो तो फिर से वी मैक्स टू की वैल्यू वी मैक्स टू की वैल्यू ये आ जाएगी क्यू बाय सी इक्विवेलेंट मैक्सिमम चार्ज फिर से 30 माइक्रोकूलम जा सकता है और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोकूलम यानी ये भी हमें कितना मिल गया 15 वोल्ट तो दोनों ही ब्रांचेस कितना झेल सकती हैं 15 वोल्ट अगर दोनों का डिफरेंट आता तो जो छोटा होता वो हमारा फाइनल आंसर होता पर दोनों इक्वल आ गए इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सेफ वी मैक्स यह आंसर होगा 15 वोल्ट क्लियर हुआ या नहीं yes. बोलो भाई yes. कोई दिक्कत no. ठीक है इसके बाद एक छोटी सी टर्म और रह गई है जो कि वैसे तो ऑब्वियस थी पर हमने यूज नहीं की गई वो है करंट डेंसिटी मैग्नेटिज्म में आता मैं वहां बताता पर अगर कोई देख लेगा तो इसे जे वेक्टर से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी फिर से कहा जाता है करंट पर यूनिट एरिया करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है ना तो आपको पता है करंट एक स्केलर है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है पर यहां करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन किया है तो जे वेक्टर स्मॉल जे इसे सिंपली हम क्या कह देते हैं आई बाय ए ये अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरह से और इस तरह से कुछ करंट पास कर रहा है आई तो आई बाय ए से आप करंट डेंसिटी डिफाइन करते हो अब इसकी डायरेक्शन की बात आए तो डायरेक्शन क्या ली जाएगी तो डायरेक्शन
डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा था आई, ये होता है ए वी डी एन ई, याद है या नहीं? तो यहां से एक और भी कह सकते हैं हम, आई बाय ए ये क्या होगा, वी डी एन ई, यानी कि जे को आप कह सकते हो वी डी एन ई. किसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? देखना जरा नोट्स में, कोई ओपन करेगा सर. ई टाउ बाय एन, ई टाउ बाय एन एन. तो जे यहां से इसे मैं ई ई टाउ बाय एम, यही कह रहे हो ना? यस सर, यही. यस इंटू एन ई हमें यहाँ से मिल जाता है. इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा जे इज प्रोपोर्शनल टू ई, यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा करेंट डेंसिटी होगी, जो कि ऑब्वियस भी है. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज़्यादा करेंट तो उतनी ज़्यादा करेंट डेंसिटी, है ना? जे हमें यहाँ से ये भी मिल गया है ई स्क्वायर एन टाउ बाय एम इंटू ई. इसको क्या बोल देंगे हम? कंडक्टिविटी. बिल्कुल सही. जे को बोल दिया जाता है सिग्मा ई, ठीक है? सिग्मा जहां कहलाता है आपका कंडक्टिविटी. ये जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छी तरह से करंट फ्लो कर सकता है, मतलब, ठीक है? सिग्मा को ये भी लिखा जाता है वन बाय रो, यहाँ पे रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी. ये कुछ चीजें जो बोर्ड के बोर्ड्स में काम ज्यादा आ जाती हैं. ठीक है, इसका थोड़ा बहुत जो यूज आएगा वो मैग्नेटिज्म में आएगा, करंट डेंसिटी का, जब हमें फील्ड वगैरह निकालनी होगी तो तब इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे. क्लियर? किसी को और कुछ याद आया जो बाकी हो? बोलो. शुरू करें तो डिस्कशन. हाँ सर. चलो, क्या करना था सर? लेवल टू का सेक्शन है करना था, फर्स्ट चैप्टर. एक सेकंड, लेवल टू का सेक्शन ए. ओपन कर लेता हूं मैं भी एक बार. सबने क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लिया ना? तब तक देख लो अपने डाउट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपको डाउट वाले हैं. कॉन्टैक्ट्स,
ओके हाँ, तो कौन सा वाला चैप्टर है ये? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, उसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास? सर आपके पास बुक आ गई? अरे वही देख रहा हूँ मैं यार, होंगे। अच्छा, पेज नंबर क्या है? 76। यार ये क्या है? ये आई ट्यूटर पे तो वो दिख रहा है एग्जांपल्स। सर मैंने आपको भेज दिया अलग से। भेज दिया क्या अभी? ठीक है, मैं देख लेता हूँ तो सही रहेगा। ये इस पर पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। अभी भेजा है क्या? हाँ सर, जस्ट अभी भेज। अभी सेंड नहीं हुआ सर। आ गया। चलो भाई बताओ। तो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट किसी को? 2? यस सर, 2 में। 2 में डाउट है। 2 में बोला गया है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड नॉर्मल डिस्टेंस डी फ्रॉम द एज ऑफ अ सेमी इनफिनाइट वायर शोन द फिगर, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट इज। ठीक है, तो ये हमारा लेवल 2। लेवल 1 है, लेवल 2 है? लेवल 2। सेक्शन ए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट नॉर्मल डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एज ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट लार्ज प्लेट एज शोन इन द फिगर। ठीक, इस तरह से कुछ प्लेट हमारे चार इमेजिन करना होगा। डी डिस्टेंस, ऐसा सोच के देखो कि अगर कोई चार्ज होता, इमेजिन करो एक चार्ज क्यू होता और एक मैं इनफाइनाइट प्लेन उसके ऊपर इमेजिन करूं, इनफाइनाइट प्लेन यहां और एक इनफाइनाइट प्लेन नीचे,
और दोनों की डिस्टेंस में रखूं डी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक प्लेन से फ्लक्स कितना होगा? ईच प्लेन इनफाइनाइट है अगर, ये कितना होगा? देखो ये प्लेन्स जाके इन्फिनिटी पे कट करेंगे, यानी या तो फील्ड लाइन ऊपर वाले को कट करेगी या नीचे वाले को कट करेगी, और कोई प्लेन तो है ही नहीं, तो हर एक प्लेन से कितना है? Q by 2 epsilon naught, तो उसके हाफ से कितना आएगा? Q by 4 epsilon, ठीक है ना, वही यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्लियर हुआ? Yes. तो ये मैंने कहा ही था फ्लक्स वाले क्वेश्चन ही इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में डाउट है। थर्ड में बोला गया है अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू एंड फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू द रिंग्स। देख ये शायद पहले जेई में आ चुका है क्वेश्चन, ऐसा कुछ है जहां एक स्फीयर है चार्ज q और रेडियस r का, और एक रिंग है 2q चार्ज और r रेडियस की, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 2r दी गई है, और आपसे पूछा है कि फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू रिंग कैसा होगा। तो पूरे स्फीयर पर फोर्स निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल, पर एक खास बात है, जब भी फोर्स की कैलकुलेशन बाहर हो रही हो स्फीयर से, तो उसके चार्ज को उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। अरे समझ आया कि नहीं? Yes. तो इसके चार्ज को आप यहाँ कंसंट्रेटेड मान लो, और ये डिस्टेंस है 2r। अब इस रिंग की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही होगी, और e की जो वैल्यू होगी वो होगी k 2q इंटू सेंटर से डिस्टेंस x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 है या नहीं? और जो फोर्स होगा हमारे चार्ज के ऊपर, फोर्स ऑन q, इसकी वैल्यू क्या होगी? वो सिंपली हो जाएगी q इंटू e। तो जितना फोर्स रिंग इस चार्ज पे लगा रही है, क्या उतना ही फोर्स ये चार्ज इस रिंग के ऊपर लगा रहा होगा? Yes. तो सेम फोर्स विल एक्ट ऑन द रिंग बाय द चार्ज। समझ आया? तो यहां मैंने क्या किया, बस स्फीयर चार्ज is assumed to be concentrated at center। answer आ गया, कोई दिक्कत? जिनको डाउट था उनको क्लियर हुआ? Yes, sir. तो rather than पूरे sphere पे निकालने की जगह हमने ring का निकाल लिया। fourth question, क्वेश्चन नंबर 5, 6, किस में डाउट है? 5 में डाउट है। फोर चार्जेस आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए। पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। वन चार्ज क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम देन मास एम इज। यार ये तो आसान है। फिफ्थ तो इजी क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल कर सबके कंपोनेंट्स निकालने वर्टिकल में। हाँ वो तो पैटर्न भी दिख जाएगा। ये q है, यहाँ q है, यहाँ q है, यहाँ 2q है, यहाँ 2q है। सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन इमेजिन करो, ठीक है? इसको O नाम दे देता हूँ, इसे मैं नाम दे रहा हूँ A और इसे मैं नाम दे रहा हूँ P। तो ऐसे बना सकते हैं A यहाँ है, O यहाँ है, तो P यहाँ है कि नहीं? थोड़ा सा साइड व्यू बना लिया। ये डिस्टेंस आपको A दे दी गई है,
इसकी साइड लेंथ ए दी है, तो ये हुआ ए रूट टू और ये हुआ आपका कितना ए बाय रूट टू। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? अरे बोलते जाओ थोड़ा यार, हाँ या ना? नो सर। क्यों की वजह से? नो। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स आएगा ऑब्वियसली वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इसे मैं एफ वन कह देता हूँ, है ना। ये एंगल अगर थीटा है, वैसे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे फोर्स आ रहा है कुछ एफ वन। यहाँ मैं देख भी सकता हूँ टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा आ जाएगा ए बाय रूट टू बाय ए, यानी कि वन बाय रूट टू। अपना ट्राइंगल बना लो अगर जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी अंडर रूट थ्री आ गई हाइपोटेनस, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसा सोच के देखो, जैसा इस 2q ने बनाया है तो जो आपका माइनस 2q होगा, जो कि कुछ यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को अगर नाम b दे देता हूं मैं, तो b पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। तो इसकी वजह से ये जो दूसरा 2q है माइनस क्या होगा, हाँ प्लस है, तो दूसरा भी कैसे बना देगा, कुछ ऐसे ही बना देगा। yes. और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और ये एंगल भी थीटा सेम आएगा। तो नेट जो इनकी वजह से बचने वाला है वो सिंपली बचने वाला है 2f1 cos थीटा, है या नहीं? यस। सिमिलर चीज होगी कि इनके लिए, क्यूज के लिए, सिमिलरली फॉर q एट c एंड d। मैं समझाने के लिए इतना टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। सॉल्व करते तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, समझ आ गया। तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा, yes. F net 2 लिख देते हैं, इसे 1 लिख देते हैं, वो हो जाएगा बस 2F2 cos theta, theta सेम आएगा। F1 F2 शायद लिख सकते हो करके mg के बराबर हो जाएगा, बस सब मिलके mg के इक्वल हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन, इसमें आपने जो अभी सेकंड क्वेश्चन में जो मेथड बताई उस तरीके से ये वाला हो सकता है? कौन सा सिक्स्थ क्वेश्चन? यस सिक्स्थ क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराया गया क्वेश्चन है। फिर भी डाउट है क्या? उस तरह से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन नहीं है, उसकी विड्थ इनफाइनाइट नहीं है, उसकी विड्थ फाइनाइट है, तो आप उसे इनफाइनाइट नहीं मान सकते, उससे q by 2 पास नहीं होगा। बेसिकली जो हमने नीचे इमेजिन किया था ना अभी, और एक ऊपर इमेजिन किया, तो ये नीचे का एक थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और उससे आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो q by 2 तो नहीं होने वाला। yes. किसी को डाउट? बढ़िया। सेवेंथ, एट्थ, सर एट्थ में डाउट है, एट्थ क्वेश्चन में डाउट है। A semi-infinite wire of uniform line charge of linear charge density lambda is placed as shown in the figure. The conical surface is of radius r, height h. The electric flux through the curved surface of the cone. हाँ भाई, तो इस तरह का आपका कोन है एक, और यहाँ से एक सेमी इनफाइनाइट चार्ज दिया गया है इस तरह से, लाइन चार्ज। यहाँ हाइट h है कोन की और रेडियस है r, तो इसके सिर्फ कर्ड पोर्शन से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, है ना। सबसे पहले तो मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, ओके। फ्लक्स हमसे पूछा गया है पूरे वायर की वजह से कर्ड पोर्शन के लिए, ठीक है। चलो तो एक चीज तो क्लियर है, जो फ्लक्स होगा बेस से कोन के वही फ्लक्स होगा थ्रू कर्ड पोर्शन ऑफ द कोन, ये क्लियर है। yes. मैं बेसिकली इससे फ्लक्स निकाल लेता हूँ, आर रेडियस का ये, इससे फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे अगर x पे जाके मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखते हैं आता है या नहीं। dx का एक एलिमेंट अगर मैं ले लूं तो इसकी वजह से जो रिंग इस पूरी रिंग से पास करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले इस पे चार्ज हो गया dq, ये हो गया लैम्डा dx। अब ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये हम देख सकते हैं। इस एंगल को मैं कह देता हूँ कुछ अल्फा, ठीक है ना। तो आपको एक चीज पता है कि जो फ्लक्स हो जाता है उसके लिए फॉर्मूला लिखा था हमने q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, याद है? यस। तो ये आ जाएगा फ्लक्स इससे, है ना। बस तो फाई को मैं लिख सकता हूं q यानी कि लैम्डा इंटू डी एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, और ये डी फाई है। इसे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, अल्फा इनिशियली तो कितना होगा 90 डिग्री, और जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे तो अल्फा लगभग क्या हो जाएगा, जीरो। और दिक्कत है यहाँ पे आ रहा है डी एक्स, और हमें चाहिए रिलेशन अल्फा की इसके साथ। तो मैं लिख दूंगा टेन अल्फा, ये हो जाएगा आर बाय एक्स, यानी आर को आप लिख सकते हो एक्स टेन अल्फा। ठीक है, तो यहां से अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गया जीरो इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस प्लस एक्स, टेन का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर डी अल्फा बाय डी एक्स। थोड़ा तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ ये भी कर सकते हैं सर, कॉस अल्फा को एक्स और आर के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, तो एक्स की लिमिट लगा देंगे उसमें, है ना, वो भी बेटर रहेगा। रिलेशन नहीं निकालना चाहते डायरेक्टली आप, वैसे तो यहाँ से भी रिलेशन तो आई गई डी अल्फा और डी एक्स में, या आप यहाँ जीरो टू इनफाइनाइट करनी पड़ेगी ना एक्स की वैल्यू, तो लैम्डा डी एक्स by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha यानी कि base by hypotenuse r square plus x। इसे 0 से infinite कर दो, obviously इसमें substitution करना पड़ेगा, तो r square plus x square को t square रख देना, integrate। clear हुआ? yes sir। sir एक सर वो जो डेस्क है उसके ऊपर हम सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के फॉर्मूला में वो आर पैर ई पैरेलल का फॉर्मूला है ना हमारे पास, हाँ, तो सर उसको वो डिस्क के ऊपर रिंग्स लेकर कर सकते हैं इंटीग्रेट? बिल्कुल कर सकते हो, आप यहाँ से वायर से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक रिंग लेकर और सिर्फ ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल वाली फील्ड लेकर बिल्कुल उसे इंटीग्रेट कर दो, तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के। समझ आया क्या मेथड बताया इन्होंने, वो भी ठीक है? नहीं सर, नहीं समझ में, ये वाला समझ आ गया जो मैंने बताया? यस सर। तो खुश रहो बस। ये वाला दूसरा मेथड ये है कि भाई इनफाइनाइट वायर की वजह से दो फील्ड आती है, एक पैरेलल में और एक परपेंडिकुलर में। तो वायर के जो पैरेलल में फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, पर वो एक्स के डिपेंडेंट होती है, बेसिकली ये डिस्टेंस के डिपेंडेंट होती है। तो उन्होंने उसी डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस की एक रिंग ले ली, उसका एरिया हो गया 2 पाई r dr और इनटू वहां पे फील्ड लिख दी जो कि थी k लैम्डा बाय r। यस, ये छोटा सा फ्लक्स आ गया, इसी को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके r तक, वो भी सही है क्लिक करने के ऊपर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 11 डाउट है, किस में डाउट है? 10th में। 10th में, 10th क्वेश्चन।
on the non-conducting ring of radius r plus q and minus q charge uniform distributed to half the electric field intensity in the distance center is E, then I bus. तो इसमें आधे पोर्शन को तो प्लस सर यहाँ पे तो डायरेक्टली ई आई कैप जीरो ही आ जाएगा ना, सर एक्स एक्सिस में पोटेंशियल जीरो है तो ई आई जीरो आ जाएगा ना फर्स्ट ऑप्शन में। आगे सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ठीक है, वरना चाहो तो कैसे करोगे फिर, थोड़ा सा विचित्र हो जाएगा फिर उस केस में, क्योंकि इस बार कैंसिल आउट नहीं, कौन सा कैंसिल आउट होगा, ये तो इधर पुश करेंगे, हाँ कुछ राइट वर्ड आएगी। ठीक है ऐसे ही करो सर, ई आई का क्या हुआ, E into I cap कैसे जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी ये सोच के देखो जरा। वैसे भी आप देख सकते हो पोटेंशियल हर पॉइंट पर ऑन एक्स एक्सिस पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी कि नहीं, ये भी नहीं समझ आ रहा बेटा। सारे चार्ज से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लोगे तो नेट चार्ज तो जीरो ही हो जाएगा ना। yes, sir. तो आप ये कह सकते हो x एक्सिस इज इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होती है, तो आप कह सकते हो z एक्सिस की डायरेक्शन में होगा ना, x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी वो हम देख सकते हैं, ये पुश करेगा उधर, वो पुल करेगा उधर, माइनस z एक्सिस में आ जाएगी, माइनस की कैप में। अगर पॉजिटिव वाला चार्ज मैंने बाहर की तरफ माना है तो जे भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इस केस में फिर तो जे भी जीरो आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर जे जीरो आएगा क्या, ये जितना पॉजिटिव वाले है जे के लिए नहीं कह पाएंगे हम श्योरली, आई के लिए तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि एक्स के लिए तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया है, पर क्या जे कैप वाला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? सर जे कैप हाँ सर होगा। कैसे बोला सर, जितना ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही नीचे और जितना पॉजिटिव ऊपर उतना ही नीचे। ऊपर तो नेट चार्ज जीरो हो गया ना, नीचे भी नेट चार्ज जीरो हो गया। हाँ। पर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चूज करें तो सेम पोटेंशियल आएगा। निकाल के देखें क्या फिर, बहुत लेंदी हो जाएगा यार वो, हम सोच किस हिसाब से रहे जे कैप का क्यों इसके से। हाँ सर, हम वो एक साइड जिस साइड नेगेटिव है उस साइड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और डाल दे तो पॉजिटिव तो पूरा कैंसिल हो रहा है, फिर दो टू टाइम्स नेगेटिव चार्ज एक ही साइड में आएगा। हाँ तो फिर जे कैप में कैसे आएगा? हाँ सर, और उसे वो एक्स कैप में भी कैसे आएगा? नहीं आएगा, कुछ रैंडम आएगा, बीच में आएगा। समझ आया क्या किया, जो हम कैविटी प्रॉब्लम जैसे करते थे वैसे अगर आप राइट साइड पे प्लस क्यू और माइनस क्यू भर दो तो टोटल प्लस की वजह से जे कैप में तो जीरो हो गया, तो वहां माइनस टू क्यू बच जाएगा। बहुत सही, ठीक है।
तो जे कैप में आप नहीं कह सकते कि आने वाली है फील्ड। सर क्या सर नहीं समझ आ रहा लास्ट में क्या बोला मेरे भाई। अगर आप जो पीछे वाला पोर्शन माइनस क्यू से भरा हुआ है उस पे भी आप प्लस क्यू डाल दो और माइनस क्यू डाल दो तो यहाँ आपका प्लस क्यू है आगे के पोर्शन पे, पीछे के क्वेश्चन पे पोर्शन पे माइनस क्यू दिया हुआ है, मैं वहाँ पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू डाल दे रहा हूँ, समझ आया? तो एक रिंग तो मिल गई हमें पूरे प्लस क्यू की हर तरफ जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, समझ आ रहा है? आगे भी प्लस क्यू और पीछे भी प्लस क्यू। अरे हाँ सर समझ आ गया। तो इसकी वजह से इसमें आएगी तो इसकी जे कैप में तो आई नहीं, फिर आपके पास ये बच जाएगा सिर्फ पीछे वाला पोर्शन जिसपे दो माइनस टू बच। सर उसकी वजह से तो आई कैप और के कैप में आएगा ना, जे की मुझे नहीं। इसकी वजह से कहाँ पे आएगा भाई? सर एक्स का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और के एक्सिस की डायरेक्शन, मतलब वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा ना। कोई श्योरिटी थोड़ी है, तुम कह रहे हो वाई एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कोई पॉइंट नहीं। अगर ये कुछ ऐसा हो गया ना, कैसा हो गया? हाँ सर सेमी सर्कुलर। तो कंपोनेंट जो आएंगे नहीं, अरे कौन जैसा बनेगा ना, ये ऐसा कौन जैसा बनेगा बेसिकली इस तरह से फील्ड्स का, तो उनके कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ आएंगे? ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये वाला आएगा और ऊपर वाला आएगा। सर हमने प्लस क्यू को बाहर की तरफ लिया है, एक्सिस से बाहर की तरफ आएगा और दूसरा जे कैप वाला तब भी कैंसिल हो रहा है वैसे। हाँ सर। सर मैं वही बोल रहा था कि आई वाला कैंसिल नहीं हो रहा है, आई वाला कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्या? अरे पर आई पर तो पोटेंशियल सेम है ना यार हर जगह। सर वो कैसे सोचा मेरे को समझ में नहीं। सर ऐसा नहीं बोल सकते रिंग के सेंटर पे जिस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एक्सिस पे उसी डायरेक्शन में होगी। रिंग के सेंटर पे तो किधर आ रही है फील्ड? जेड एक्सिस में आएगी सर। पूरे पे कैसे बोल सकते हैं यार, एक सेकंड, आई का कैसे जीरो है ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले तो? नहीं सर क्योंकि फील्ड बना रहे तो फिर नहीं। यार एक बात बताओ, इस पॉइंट से नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है पहली बात तो? जीरो। और वो सब इक्विडिस्टेंट है कि नहीं है? हां ओके सर समझ गया। तो पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं होगा? यस। जितना प्लस क्यू का डिस्टेंस है उतना ही माइनस क्यू का डिस्टेंस है, तो यहाँ तो क्लियर हो चुका है एक्स एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का हमें देखना पड़ेगा। चलो सोचते हैं आगे, आगे बोलो। इलेवेंथ, 12th, 13, 14, सर 12th में, सर 12th में डाउट, 12th पे चले गए। अरे 12th में क्या एलिमेंट है? अ नॉन कंडक्टिंग स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 2a इज चार्ज q पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द प्लेट इज, कैसा एलिमेंट लेना चाहिए? स्ट्रिप ले सकते हो यार। यस सर, एक स्मॉल एलिमेंट ले जिसका एरिया ए हो और डी ए हो तो हो जाएगा ना, उससे प्लस डी डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। यहाँ पे तो अगर स्ट्रिप ले लें इस तरह से तो उससे भी आ जाएगा। आप चार्ज की वजह से प्लेट पे फोर्स निकाल दो तो उतना ही प्लेट की वजह से चार्ज पे होगा, है कि नहीं? तो ये आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से कुछ भी एक्स डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस की स्ट्रिप कंसिडर कर लो,
और इस पे जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन बस ध्यान रखना कि फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो फील्ड की डायरेक्शन में आएगी। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। एक्स कंपोनेंट्स कट जाएंगे, सिर्फ वाई कंपोनेंट ऐड होगा। लिमिट जो लगानी है वो माइनस ए से प्लस ए लगा देना। माइनस ए से समझ आया, कर पाओगे या मैं लिख दूं यहां पे एक्सप्रेशन? सर चलो यस सर, ऐसा ही क्वेश्चन। तो ये अगर आर डिस्टेंस इनटू सिग्मा इनटू 2a इनटू dx ठीक है ना, इनटू cos थीटा, थीटा और इसमें रिलेशन आपको पता ही है, कन्वर्ट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 17, two non-conducting infinitely long straight wires uniform linear charge density x and y axis respectively, their point of intersection merging one of the field lines due to these wires in the xy plane is a straight line passing through the origin, angle made by the line with the x axis. One of the field lines due to these wires, ठीक है? तो और एक फील्ड लाइन ऐसी है जो ओरिजिन से पास कर रही है कुछ इस तरह से, सर आर वन कॉमा कोऑर्डिनेट ले लेंगे पहले प्लेन और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और वो टैन थीटा स्लोप हो जाएगा उसका। बिल्कुल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से देख सकते हैं कैसे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो हो जाएगा। यस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर यस सर, कोई पॉइंट आर वन कॉमा आर टू ले लो, कोई भी पॉइंट x कॉमा y ले लेते हैं और क्या, ठीक है? उससे लिख सकते हो, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऑब्वियसली क्या हो गई, x हो गई, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी e1 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2k lambda 2 by x और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो ऊपर आएगी बाय बाय, है ना? यस, तो ई नेट मिल गया, वो इस लाइन के अलोंग आना चाहिए। सर टैन थीटा निकालेंगे ई, यस सर टैन टू बाय ई वन। टैन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थीटा अगर बोल ई टू बाय ई वन, यस सर, और वाई बाय एक्स बस। सर लैम्डा, लैम्डा टू भी, लैम्डा के टर्म्स में तो चाहिए इसकी वैल्यू, लैम्डा अपॉन 2 पाई नॉट वाई का सर, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ही आएगा, सब टू कैंसिल कर। डाउट क्या था, किसको डाउट है इसमें? क्लियर हुआ क्या जिनको डाउट था? एक्स वाई रह नहीं जाएगा, एक्स वाई को पुट एक्स स्क्वायर, सर दो इक्वेशन बनेगी दोनों को सॉल्व करेंगे, टेन थीटा वाई बाय एक्स आया ना हमारे पास, एक इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है सर? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का अंडर रूट वाई बाय एक्स, एक हमें मिल रहा है ये लैम्डा 1 बाय वाई
इनटू एक्स बाय लैम्डा टू, यही तो आ रहा है। यस सॉल्व कर लो, ये तो पता ही होता है ना, स्लोप वाई बाय एक्स होता है। तो यहाँ से यस यस ये आ गया वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, ये आपका टेन थीटा है। सॉल्व कर लो, सेक्शन बी नहीं बोला था ना? नहीं सर, नहीं सर, कैपेसिटेंस का एक्सरसाइज बोला था। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है वैसे? सर 16 16 और कितने सेक्शन है? जी तक, जी तक, जी तक। हे भगवान, फिर लेवल 3 भी है क्या? नहीं सर, लेवल 2 ही है। लेवल 2 ही है, लेवल 1 हो गया था ना अपना? हां सर, लेवल 1 हो गया था। ठीक है सर, कैपेसिटर में क्या बोला था सर? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लेवल 1 पूरा बोला। कैपेसिटर पहले उसे देख लेते हैं, फिर होमवर्क डिसाइड कर लेंगे। किसी ने फोटो खींचा है क्या इसका, कैपेसिटर का? नहीं, शांति का भेजा? यस अभी भेजा है क्या? हाँ सर, जस्ट सर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई। 21 पेज, हे भगवान। चलो एक्सरसाइज 2.1 बताइए, पहले तीन में कोई डाउट? नो सर, पहले तीन में नहीं है। चार पांच छ सात आठ नौ सर, नाइन्थ में मेरा एक डाउट है। बोलो सर। उसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ सबका पोटेंशियल, मतलब लिख के, लेकिन नहीं आ रहा है। मतलब कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी लगा के किया, सॉल्व तो नहीं हो रहा है सर। क्योंकि आपने सही नहीं किया है, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आपने क्या किया, आपने एनर्जी कंजर्वेशन किस किस पॉइंट के बीच में लगाया? पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया सर, पहले इसके, लेकिन उससे यहाँ तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो इनके बीच का नल पॉइंट है, यानी ऐसा पॉइंट जहां फील्ड आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि आप बेसिकली ए और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाओगे, बल्कि ए और पी पॉइंट में लगाओगे। ठीक है, तो इफ द चार्ज जस्ट रीचेस द पॉइंट, ओके सर अब हो जाएगा, हाँ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, उसके बाद तो दूसरा वाला स्फीयर अपने आप पुल कर लेगा ना? हाँ सर। तो बस सिर्फ यहां तक पहुंचाना है। चलिए भाई, एक्सरसाइज 2.2, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17. The point charge Q and mass M is placed the center of a fixed ring charge Q radius of the minimum velocity that should be given to reach away from the ring. Q is positive, Q is negative.
तो मिनिमम वेलोसिटी क्या देनी चाहिए? क्यू अगर पॉजिटिव है तो कितनी देनी पड़ेगी? सर जीरो सर, रिपेल होके बाहर चला जाएगा। जरा सा बाहर कर दो, रिपेल होके चला जाएगा। प्लस है अगर, तो क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑलमोस्ट जीरो। और नेगेटिव है तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन कर देंगे, हम लिख देंगे के इनिशियल प्लस पी इनिशियल। ये होना चाहिए के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप जो दे रहे हो हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर इंटू वहाँ पे चार्ज रखा है माइनस क्यू, ये हो जाना चाहिए। फाइनली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। क्लियर हुआ? यस। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23। कब तक ये वाले सवाल पूछते रहोगे यार? ग्राफ देखते ही रो देते हो आप लोग। 23, बहुत ही आसान सवाल होने वाला है, विश्वास है मुझे, बिना पढ़े ही। यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस फोर क्यू है, क्या बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी? नहीं, नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगी? बाहर आएगी। किसके पास आएगी? चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास आएगी, यानी यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आने वाली है, तो यहाँ पे फील्ड जीरो होनी चाहिए। करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल पूछा है। अच्छा, मैं गलत क्वेश्चन सुन रहा था। पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा ये पूछ रहे हैं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सोच रहा था। तो पोटेंशियल तो कहाँ जीरो हो सकता है, बीच में या साइड में? yes, सर दोनों तरफ, दोनों तरफ जीरो हो सकता है कि नहीं? बस तो अगर देखा जाए इसे, यहाँ पोटेंशियल अगर आप जीरो करने की कोशिश करो, ये डिस्टेंस अगर डी है तो क्या आएगा? ये डिस्टेंस अगर आप एक्स लेते हो, इसे पॉइंट ए बोल दें, पोटेंशियल एट ए, ये हो जाएगा के क्यू बाय एक्स। ये इक्वल हो जाना चाहिए के माइनस फोर क्यू बाय डी प्लस एक्स, है नहीं? के से के कटा, यहाँ से आपको मिला डी प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, या एक्स आपका कैसा आ गया? नेगेटिव। तो ये तो सही नहीं है, इसका मतलब ये पोजीशन संभव नहीं है। अरे हाँ है ना, तो बोलो भाई। यस यस। सिमिलर बी पे चेक करो, तो ये हो गया के माइनस फोर क्यू बाय वाई, ये इक्वल होना चाहिए के क्यू बाय डी प्लस वाई। यहाँ से आपको क्या मिला? माइनस फोर डी माइनस फोर वाई इज इक्वल टू, ये वाई है ना, वाई। या मैं कह सकता हूँ फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस फोर डी। वाई फिर से कैसा मिल गया? नेगेटिव। तो क्या ये संभव है? नहीं, no. क्योंकि हम तो बाहर मान रहे हैं ना, वाई नेगेटिव मतलब अंदर आ गया, फिर से गड़बड़ है। तो कौन सा पॉइंट बचा? बीच में कोई पॉइंट ले लूं, Z, तो वी जेड क्या कह सकते हो? K Q बाय जेड, ये इक्वल होना चाहिए K माइनस फोर क्यू बाय डी माइनस जेड। तो यहाँ से मिला D माइनस जेड, ये होना चाहिए माइनस फोर जेड। फिर से नेगेटिव आ गया क्या? यस सर, कोई तो पॉइंट आएगा। क्या गड़बड़ की मैंने? सर वो नेगेटिव साइन क्यों लिया? क्योंकि आपने डायरेक्शन नहीं, सॉरी, इसमें तो डायरेक्शन होती ही नहीं है। खैर हाँ, यस। कुछ तो गड़बड़ की मैंने। अरे यार, प्लस जीरो होना चाहिए ना, नेट पोटेंशियल जीरो करना है ना हमें तो। Yes. अरे आसान है यार, तीन जगह करके देखना था बस, मैंने इक्वल कर दिया। आपको ऐड करके पोटेंशियल जीरो करना है ना बस। आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चेक कर लोगे ना एबीसी पे? हाँ सर, कर। हाँ सर, ए कॉमा बी कॉमा सी, बेसिकली वी ए प्लस वी बी मिलके क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। हाँ सर, सॉरी, वी क्यू प्लस वी माइनस फोर क्यू।
क्लियर हुआ? यस यस सर। आगे बोलिए 24। हाँ सर, हम ऐसा भी लगा ही सकते हैं ना, क्योंकि सर फर्स्ट और सेकंड वाले में सर उन्होंने ग्राफ में दिया है नीचे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, पर सर इन दोनों के बीच में कभी पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं? यस क्यों नहीं हो सकता? एक सेकंड सर, सॉरी सर, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसीलिए। हाँ, जीरो क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा था। हाँ, मुझे भी वही लग रहा था। इसीलिए चलो 24, 25, 26, 28 थोड़ा डाउट आ रहा है। एग्जांपल कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 25 नहीं सर, मतलब वो एग्जांपल देते हैं ना वो। अरे उसको छोड़ो मेरे भाई, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 25 में कोई डाउट? 36, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 से 38, 39 से 41। A solid conducting sphere having charge Q is surrounded by uncharged concentric conducting sphere shell. Potential between solid sphere and the shell is V. Shell is now given charge minus 3Q. The new potential difference between the same surfaces will be. तो एक shell आपको बोला गया है, इसमें अंदर वाले को charge दे दिया गया है Q और बाहर वाले पे न्यूट्रल है ना? ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता दिया गया है आपको? V बता दिया गया है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल तो कितना है? KQ by R जो भी होगा, और इसका पोटेंशियल कितना होगा इस समय पे? जी जीरो। ठीक है, या KQ by R2 होगा अंदर वाले की वजह से? Yes. अंदर वाले की वजह से। तो आपको दिया गया है कि KQ by R1 minus KQ by R2, यह है V। अब उन्होंने क्या किया, शेल को माइनस थ्री क्यू चार्ज दे दिया है, तो फिर से निकाल लो, टाइम पास है। फिर से अंदर वाले के ऊपर अगर लिखोगे तो यह होगा KQ by R1 प्लस के बाहर वाले की वजह से अंदर वही आता है जो उसकी सरफेस पे आता है, और इसकी सरफेस पे होगा के क्यू बाय आर टू प्लस के माइनस थ्री क्यू बाय खुद की सरफेस पे आर टू। तो ये चीज तो कट गई, अभी भी डिफरेंस क्या आया है? सेम, तो सेम आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर, वो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो आंसर मैच नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं। 42 तो कौन पूछ रहा है यार, क्लास में कराया, नोट्स नहीं पढ़े क्या? यस। 42 में डाउट है किसी को? इसे नोट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कर लेना यार इसके बाद, नहीं हो तो व्हाट्सएप पे अलग से पूछ लेना मैसेज करके। 44 सर, 43 अ सोप बबल ऑफ रेडियस दिस मच इज चार्ज, दिस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल इज दिस।
A soap bubble is charged with radius. Wall of radius is charged with this much as x expression is. ये क्या मतलब है? अरे अभी तो बहुत बार इसमें दो पॉइंट का रिपल्शन को सरफेस टेंशन से इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा. एक्सेस प्रेशर प्लस रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट्स को हम सरफेस टेंशन से इक्वल कर देंगे तो एक्सेस प्रेशर आ जाएगा. क्यों कर देंगे? क्योंकि जितना रिपल्शन हो रहा होगा दो पॉइंट्स के बीच में सर उतना उतना प्रेशर चाहिए होगा ना, उतना सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर चाहिए होगा उसको वो रिपल्शन को कैंसिल आउट करने के लिए. फिर कौन से देते हैं बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं है, इसका कुछ और अच्छे से हो जाएगा. ठीक है तो 43 ऑनवर्ड्स हमें आगे कंटिन्यू करना है 2.7 तक. अभी तो काफी बाकी है, अभी तो हो नहीं पाएगा. चलो नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के लिए ये तो हम करेंगे कल. ठीक है ना, कल हमारी क्लास है ना. यस पॉइंट वाली अलग अलग है, अभी टाइम टेबल नहीं आया होगा. अच्छा जो भी है दोनों में ही डिस्कशन तो कराना ही है, तो कल डिस्कशन होगा इसका तो 14 तारीख को. सर जो आपने कल शेड दी थी उसका भी कर लीजिए प्लस. हाँ जो हमने एक यस पोटेंशियोमीटर की शीट ली है वो और क्या है, और कुछ दिया था होमवर्क में? कैपेसिटर का, उन्हें कैपेसिटर का सेकंड पेपर करना था एडवांस का, वो तो आगे देखेंगे बाद में. पहले इसमें मॉड्यूल में क्या बोला था कैपेसिटर का और क्या बोला है? एक सेकेंड, कैपेसिटर में क्या दिया था? सर उसका लेवल 1 दिया था आपने करने को, सेट 2 भी बोला था साथ में करने के लिए. लेवल 1 और लेवल 1 ही करने को बोला था आपने, लेवल 1 में सेट. यस सर. ठीक है सिर्फ इतना बोला है तो ये सब तो मैं पहले ही बोल चुका था ना. यस सर. तो आपके लिए आज का होमवर्क क्या दे दें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की उसमें एक्सरसाइजेस कितनी है देखना जरा. 3 पॉइंट होगा ना वो, 3.1 3.7 है. कितनी कर पाओगे बोलो? 3.4 कल ही हो जाएगा, बाकी परसों करेंगे. ठीक है चलो करते हैं फिर आज. ओके थैंक यू, बाय सर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.